वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। वक्त गुजरता जा रहा था और सब हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। अचानक एक कैंडिडेट बाकी सबसे मुखातिब हुआ और कहने लगा, हमें गार्ड और इन्विजिलेटर से बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं ना? इस जरूरत पर गार्ड की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। हिम्मत करके वो कैंडिडेट अपनी सीट से खड़ा हुआ और कहने लगा, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं और अपनी जगह से उठकर चल फिर भी सकते हैं। जब इस हरकत पर भी गार्ड ने कुछ नहीं कहा तो सब लोग अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े होकर कमरे के बीचों बीच जमा हो गए, सिवाय एक कैंडिडेट के जो सर झुकाए अपनी सीट पर बैठा रहा। मुझे लगता है हम सबको मिलकर इस पहेली को सुलझाना होगा, उस कैंडिडेट ने मशवरा देते हुए कहा। क्यों ना हम एक दूसरे को एक कोड नेम दे दें? इससे हमारी असली शनाख्त राज रहेगी और एक दूसरे से बात करना भी आसान हो जाएगा। हामी भरने पर उस कैंडिडेट ने सब लड़कों को उनकी नस्ल के मुताबिक नाम दे दिए। उसने अपना नाम जमाल रखा और बाकी दो लड़कों के नाम अहमर और अस्वद रखे। लड़कियों को उनके बालों और आंखों के रंग के मुताबिक नाम दिए, सुनहरी, लाली और नीलम। सबको नाम देने के बाद जमाल ने उस कैंडिडेट की तरफ देखा जो अब तक बुत बना अपनी सीट पर बैठा था। लगता है इस बेचारे के मुंह में जबान नहीं है, मैं तो इसे गूंगा बुलाऊंगा। ए गूंगे, आवाज आ रही है या बहरे भी हो? उसने चुटकी बजाते हुए निहायत बदतमीजी से पूछा। नाम वो रखने चाहिए जिनके माने अच्छे हों। हम इसे कलीम बुलाएंगे, क्या पता इस पर नाम का कुछ असर हो जाए, सुनहरी ने सलाह देते हुए कहा। अब जान पहचान हो गई हो तो ये सोचो कि आगे करना क्या है, नीलम ने दोबारा मुद्दे पर आते हुए कहा। हो सकता है सवाल इनविजिबल इंक में लिखा हो और सिर्फ यूवी लाइट्स के नीचे पढ़ा जा सकता हो। ये सुनकर लाली ने कमरे में इधर उधर देखना शुरू किया। एक आइडिया है मेरे पास, वो देखो, लाली ने छत की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस कमरे में इमरजेंसी लाइट्स लगी हुई है जो अमूमन यूवी रेस खारिज करती है। अगर हम किसी तरह इन लाइट्स को ऑन कर दें तो काम बन सकता है। काफी देर ढूंढने के बावजूद उन्हें रूम में कोई स्विच नहीं मिला। अगर हम कमरे की सारी लाइट्स तोड़ दें तो इमरजेंसी लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाएंगी। अस्वद के इस मशवरे पर अमल करने के लिए नीलम ने अपनी हील्स उतारकर अहमर को दे दी जो कद में सबसे लंबा था। डेस्क पर खड़े होकर उसने हील की नोक से एक एक करके चारों बल्ब तोड़ दिए। जैसे ही आखिरी बल्ब टूटा पूरा कमरा तारीकी में डूब गया और अगले ही पल इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो गईं। जमाल ने फौरन रोशनी के नीचे पर्चे को रखकर देखा मगर कोई फायदा ना हुआ। सिर्फ 60 मिनट बचे हैं अब हमारे पास, कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी, जमाल ने फिक्रमंद होकर कहा। सोचते सोचते जमाल की नजर उस पर्चे पर पड़ी जिस पर लिखने की वजह से कैंडिडेट को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था। ये पर्चा रूल्स के मुताबिक खराब हो चुका है, हम अपने पर्चे खराब नहीं कर सकते, लेकिन इस पर्चे के साथ जो चाहे कर सकते हैं। जमाल ने पर्चा उठाया, उसके 6 टुकड़े किए और कलीम को छोड़कर बाकी सब में तकसीम कर दिए, क्योंकि कलीम इस भागदौड़ में बिल्कुल हिस्सा नहीं ले रहा था। अस्वद ने अपने हिस्से में आए टुकड़े पर पेंसिल से ट्रेस करके देखा इस उम्मीद में कि शायद राइटिंग उभर कर सामने आ जाए, मगर ये तजुर्बा भी नाकाम रहा। ये देखकर जमाल ने चिढ़ कर कहा, अस्वद लगता है तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है, अगर ट्रेसिंग से कुछ फायदा होना होता तो तभी हो जाता जब इस पर पेन से कुछ लिखा गया था। तुमसे बड़ा नालायक दुनिया में कोई नहीं होगा, तुमने यकीनन बाकी टेस्ट में भी नकल की होगी, अहमक कहीं के। ये सुनकर अस्वद आपे से बाहर हो गया और उसने जाकर जमाल का गिरेबान पकड़ लिया। जबान संभाल कर बात करो वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। तुमने खुद कौन सा तीर मारा है? जब से ये टेस्ट शुरू हुआ है तुम बदमजगी फैला रहे हो, तुमसे घमंड और तासुब की बू आ रही है।
असवत और जमाल गाली गलौज पर उतर आए। उन्हें यूं लड़ता हुआ देखकर अचानक कलीम ने छोटे बच्चों की तरह जारो कतार रोना शुरू कर दिया। कलीम को यूं रोता हुआ देखकर सब लोग खामोश हो गए। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।